एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन ना आए तो क्या करें? जी हाँ दोस्तों, जब भी हम पेपर दे रहे होते हैं तो हमें पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं पता होता है। तो दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ क्या किया जाए, इन प्रश्नों से कैसे डील किया जाए? अगर आप इन प्रश्नों को छोड़ देंगे, अनअटेम्प्ट कर देंगे, तो आपको कोई लाभ तो होने वाला है नहीं, क्योंकि आपको वहां 0 मार्क्स मिलेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक दूंगा जिनकी हेल्प से आपको जो क्वेश्चन जरा भी नहीं आ रहा होगा, आप उसका भी आंसर कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, जब भी आप इन सब तरह के क्वेश्चन को देखोगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप क्वेश्चन को देखो और आपके दिमाग में कुछ क्लिक ना हो। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम कोई क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ क्लिक जरूर होता है, कुछ ना कुछ हमारे वर्ड हमारे दिमाग में जरूर आता है। तो दोस्तों, जो वर्ड आपके दिमाग में आए, कुछ सेंटेंस जो भी आपके दिमाग में आए, उसी को आपको बढ़ा चढ़ा करके लिख देना है। लेकिन जब भी आप कुछ लिखो तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका आंसर का जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अगर आपकी हैंडराइटिंग साफ साफ होगी, एकदम अच्छी होगी, और आप आंसर में कुछ थोड़ा बहुत लिखोगे तो आपको एग्जामिनर निश्चित ही मार्क्स देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप कुछ लिखो और आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। और एग्जामिनर जो होता है आपके सिर्फ और सिर्फ आपको हैंडराइटिंग पर ही जज करता है। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। दूसरी बात, आपको आंसर को पॉइंट वाइज लिखना है। देखिए, पॉइंट वाइज लिखने से आपका आंसर अट्रैक्टिव लगेगा, आपका आंसर एग्जामिनर की आंखों में चुभेगा, एग्जामिनर को आपकी कॉपी पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, जिससे एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। देखिए, एग्जामिनर जो होते हैं ना, वो आपकी कॉपी को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते हैं, वो आपके सिर्फ और सिर्फ ऊपर की 1-2 लाइन पढ़ते हैं और बाकी देखते हैं आपका आंसर लिखने का तरीका कैसा है, आपने ज्यादा कट क्रॉस तो नहीं किया है कॉपी में। तो ये चीजें एग्जामिनर बहुत ज्यादा नोटिस करता है आपकी कॉपी में। तीसरी बात, जब भी आपको कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो तो आप उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और बार बार पढ़ो, तो आपको उस क्वेश्चन में कोई ना कोई ऐसा कीवर्ड जरूर दिखेगा जिनके अराउंड उस क्वेश्चन का पूरा आंसर घूमता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, एक्सप्लेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो हमें पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिटलर की वजह से हुआ था, तो हिटलर को कीवर्ड मान करके आपको अपना आंसर लिखना है कि हिटलर ऐसा था, हिटलर ने इस पर आक्रमण किया, हिटलर ने ये किया वो किया, तो इस तरह से आपको अपना आंसर को लंबा खींचना है। तो बस आपको हर क्वेश्चन में कीवर्ड पकड़ना है, अगर आपने इस चीज में महारत हासिल कर ली तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो एग्जाम में। जो फोर्थ पॉइंट है कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन ना आए तो आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं गिरने देना है, क्योंकि पीछे की जितनी भी टिप्स है वो तभी काम आएगी जब आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ, मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकता हूँ, मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूँ। तो बस आपको अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखना है और आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।